आखिरी एलिमेंट जिसकी निशानदेही इस किताब में की जाती है, हमारी रोजमर्रा रूहानियत का वो अंसर जिसकी अहमियत, जिसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रही है, वो जमालियात का है, खूबसूरती का है, क्रिएटिविटी का है, तख्लीक करने के अमल का है, जो हमारे गांव की जिंदगी में, खास तौर पर छोटे शहरों में, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जगह जगह ये चीज नजर आती थी कि अपनी इर्द गिर्द के माहौल को, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने घरों को खूबसूरत बनाना। हमारे कपड़ों को देख लें, खवातीन के कपड़े, रवायती कपड़े, शादी ब्याह के कपड़े, किस कदर टाइम लगाकर मेहनत से वो उनको सजाती हैं। सिर्फ औरतों से इसका ताल्लुक नहीं, मर्दों के रवायती उसमें देख लें। मैंने मिसाल दी बीच में ट्रक्स की, अब वो सारी दुनिया में माना जा रहा है कि ये खूबसूरत एक खास किस्म का आर्ट है, या जो हमारी रवायती बसें होती थी उसमें वो उसकी जेबाइश, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए शीशे के आगे चीजें टांगने के लिए वो एक खूबसूरत सा रिश्ता है अपने इर्द गिर्द चीजों के साथ और उनको खूबसूरत बनाने के साथ, जो एक हकीकत रही है हमारी जिंदगी की, जिसकी अहमियत को हमें समझना है और उसको कायम रखना है अपनी जिंदगियों में, अपने रहने की जगहों को। चाहे आप नगर पार कर वो थर में घरों को देख लें, उनके पास कुछ भी नहीं होगा घरों में, लेकिन वो अगर शेल्फ बनाएंगे मिट्टी का, फूल पत्ते बना के खिड़की दरवाजों के इर्द गिर्द। आप उसको छोड़ के बिल्कुल नॉर्थ में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, सवात में आप देख लें किस बारीकी के साथ वो कार्विंग करके अपने खिड़की दरवाजों को सजाते हैं। ये चीजें रवायती तौर पे हमारी जिंदगी का, मुआशरे का हिस्सा रही हैं और खूबसूरती जो है और क्रिएटिविटी जो है कि दिल को जगाती है, ये हमें इंसान बनाने में, हमारे अंदर नरमी लाने में, कायम रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और इसलिए इसको बचा के रखना, इसको और ज्यादा मजबूत बनाना, इसको तकवीयत देना बहुत जरूरी है। खास तौर पे आजकल हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं उसमें तो बहुत ही अहम हो जाता है कि ये जो तख्लीकी अमल है, जिसको हम कल्चर में कई दफा डाल देते हैं, म्यूजिक, डांस, पोइट्री, आर्ट, इन चीजों की अहमियत को समझना, इनका असर जो हमारे दिलों पे होता है, किस तरह से हमारे दिल को नरमी देते हैं, किस तरह से हमारे दिल की आवाज बनते हैं, ये उसको समझना और उसको बढ़ाना और उसको सपोर्ट करना अपने मुआशरे के अंदर बहुत अहम है। और जितना ज्यादा ये बढ़ेंगे उतना हमारा दिल जागता है, उतना हमारा दिल बोलता है, उतना हमारा दिल ताकत पकड़ता है। और जागा हुआ दिल और बोलता हुआ दिल, और वो दिल जो दूसरों के साथ रابطे बनाता है, जो लिंक्स बनाता है, दूसरे के दर्द को, तकलीफ को महसूस कर सकता है, वो दिल इंतहा पसंदी, शिद्दत, इन चीजों में नहीं पड़ता, तशद्दद में नहीं पड़ता।